कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है, जिस वजह से सभी अपने घरों में कैद हैं। वहीं लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार दैनिक मजदूरों पर पड़ी है। मोतिहारी के मजदूरों को अब अपने परिवार का पेट पालने की चिंता सताने लगी है। अरेराज में चिमनी में काम करने वाले प्रवासी और स्थानीय मजदूर काफी परेशान हैं। इस महामारी के बीच चिमनी का मालिक उनके खाने और पीने की सुविधा मुहैया कराए हुए है। बैठ के खा रहे हैं, अब पैसा वैसा मालिक दे रहे हैं, तो पेट चल रहा है, बस बचत नहीं हो रहा है। अच्छा, तो बाहर कहीं जाना है, बाजार वाजार नहीं जाते हैं आप लोग? काम यहाँ पे चलता है? नहीं चलता है, काम बंद है। कितने दिन से? कितने 10-12 से आप लोग का यहाँ पे काम कर बंद पड़ा हुआ है? 14-15 दिन से काम बंद है। 14-15 दिन से? तो ये काम लॉकडाउन जो सरकार लगाया हुआ है कि लॉकडाउन में कहीं नहीं निकलना, इसी वजह से काम बंद है जी। तो क्या यहाँ पे कैसे चल रहा है आप लोगों का राशन पानी? मालिक दे रहे हैं राशन पानी अपनी तरफ से। तो उतना से हो जा रहा है? नहीं, इतना से काम होगा, ये तो पेट भी तरह चल रहा है। पेट चल रहा है मतलब कमी नहीं हो रहा है? नहीं। तो आप लोगों की सरकार से कुछ है कि कैसे क्या हो आगे का? सरकार तो काम से हम लोग को जल्दी से जल्दी काम चालू होना चाहिए ताकि हम लोग का रोजी रोटी अच्छा से चल सके। अच्छा, और यहाँ पे प्रशासन का भी आदेश है कि बाहर जाना है नहीं जाना जी? घर से कहीं नहीं जाना है। वहीं स्थानीय मजदूर ने कहा कि काम पूरी तरह बंद होने पर भी उनका मालिक उन्हें खाने पीने के सामान के साथ पैसे भी मुहैया करा रहा है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। काम आप लोगों का चल रहा है या बंद पड़ा हुआ है चिमनी पर जी? क्या काम करते हैं आप? ईंटा बनाई ले। बन रहा है ईंट अभी जी? ना। कितना दिन से बंद पड़ा है? 15-20 दिन से। तो खाना पीना? खाना पीना कहाँ सुधगर, जो हमने के खाना पीना मिलता थे 400-500 रुपया मालिक देता नहीं तो आदमी खा पी जाता, उससे कहा गोड़ निकली। बचत मतलब खाना पीना चल जाता, रोजी रोटी हो जाता, बचत नहीं खे जी? ना, भादो उदो में हमने क्या खाए सो? अभी कमानी तो रखे नहीं जी, तो अभी वो बंदी पड़ल बा जी। तो रोड रोड में सब सरकार कहता ना जाएला तो घरे ही बनी लोग, इन काम सब बंद एकदम बने सो। फिलहाल बेरोजगारी की कगार पर पहुंचे मजदूरों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।